555 करोड़ से घटकर 565 करोड़, आई थिंक रिसेंटली कुछ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट हो सकता है जिसकी वजह से ये हुआ है, बट काफ़ी कमज़ोर नतीजे ऑन द फेस ऑफ इट दिख रहे हैं, और नंबर्स आते ही स्टॉक में भी एक वर्टिकल फॉल आते हुए दिख रहा है। 266 करोड़ का मुनाफा घटकर 117 करोड़, 855 करोड़ की आय घटकर 565 करोड़ की आपको आती हुई दिख रही है। जीएमडीसी बेहद खराब नंबर से इसके आ रहे हैं। सुदीप जी एक बार जरा चार्ट पुल अप करिए, तब तक मैं बाकी क्या वजह है जीएमडीसी के इतने खराब नंबर्स की वो एनालाइज करने की कोशिश करता हूं। बट फर्स्ट कट कमजोर नंबर्स और सीधा 11% का कट स्टॉक में दिख रहा है सर। दीपांशु जी, ये जो कट हमने देखा है आज, जो अभी ये 10-11% का कट दिख रहा है, इसमें तो जो आपके शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है इसको तो तोड़ दिया, और साथ ही साथ अभी ये स्टॉक 420 का जो लेवल है, जो 23 जनवरी को एक स्विंग लो लगाया था, ये उसको भी अभी चैलेंज करने की ये तरफ जा रहा है। तो मुझे लग रहा है ये 420 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ऊपर के लेवल से जो स्ट्रक्चरली सेलिंग आई है आज जीएमडीसी में, कल हमने आरवीएनएल में देखा कि जहां जहां नंबर्स पे इम्पैक्ट आ रहा है तो वहां पे जोर से पिटाई हो रही है यहाँ पे स्टॉक्स की। तो मुझे लग रहा है थोड़ा अब यहाँ पे बॉटम फिशिंग ना करें, इवन इफ आज रिकवरी भी थोड़ी बहुत आ जाए तो एक आध दिन रुक के ये नंबर्स को एनालाइज करें, मार्केट इसको क्या रिएक्ट करना चाहता है ये देख ले, एंड देन फिर बॉटम फिशिंग करना है तो वो वी कैन टेक अ लेटर कॉल। बट मुझे लग रहा है यहाँ पे ये थोड़ा जो कट है ये थोड़ा और डीपन हो सकता है, और 420 के नीचे तो ये अराउंड 395 से 400 के लेवल्स तक जा सकता है।